हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे विकलांग सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों, अगर जो आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो विकलांग है और उनके लिए आप सभी जो कि सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करके बनवाना चाहते हैं, तो आप सभी जो कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन करके सर्टिफिकेट जो कि बनवा पाएंगे। तो किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है इस वीडियो में कंप्लीट में दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप सभी जो कि शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे चलता हूँ, वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करूंगा। अगर जो आप अपने मोबाइल फोन से करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फोन से भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने कंप्यूटर पे चलता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करके मैं दिखाता हूँ किस तरह से प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, विकलांग सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं दिखाऊंगा विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, जैसे कि मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं और सर्च में टाइप करूँगा UDID। इस तरह से मैंने जो कि टाइप किया, टाइप करने के बाद जो कि मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद देखिए ऑप्शन वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं यूनिक डिसेबिलिटी ID, उसके नीचे जो कि ऑप्शन वेबसाइट जो कि दिया गया है, यहाँ पे हम जो कि ओपन करेंगे इस वेबसाइट को। तो ये वेबसाइट का लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम जो कि इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का जो कि वेबसाइट का इंटरफेस जो कि रहेगा, यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं इस तरह की वेबसाइट जो कि यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड, इस पर जो कि क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो कि यह फॉर्म जो कि ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम जो कि क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी जो कि देखेंगे यह फॉर्म जो कि यहाँ पे इस तरह का जो कि यहाँ पे ओपन जो कि हो चुका है, जो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि इस तरह का फॉर्म जो कि ओपन हो चुका है, जो यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं पर्सनल डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो कि भरेंगे, जो भी आवेदक है उनका जो कि नाम यहाँ पे इंग्लिश में भरेंगे, उनका नाम जो कि हिंदी में भरेंगे, इंग्लिश हिंदी में नाम जो कि यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद जो कि आवेदक के यहाँ पे फादर का नाम जो कि भरेंगे, जो यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे आवेदक का यहाँ पे मदर नेम यानी कि दोस्तों माता जी का नाम भरेंगे। यहाँ पे आवेदक का डेट ऑफ बर्थ जो कि भरेंगे, यह डेट ऑफ बर्थ जो कि आप आवेदक के आधार कार्ड से सेम ही यहाँ पे जो कि भरेंगे। उसको जो कि ईमेल आईडी यहाँ पे आप सभी को भरना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो कि भरना है, यहाँ पे जेंडर जो भी आवेदक है मेल या फीमेल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो कि देख रहे हैं कैटेगरी, जो भी आवेदक जो कि जिस कैटेगरी से आते हैं जनरल OBC SC ST, यहाँ पे आप सभी जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ब्लड ग्रुप, अगर जो आवेदक का ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप सभी जो कि भरेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद जो कि नीचे आप सभी जो कि यहाँ पर देख पाएंगे रिलेशन विथ पर्सन, एक पर्सन यहाँ पे जो कि ऐड करेंगे जो भी आवेदक के साथ हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि फादर मदर वाइफ हस्बैंड, इस तरह से जो भी पर्सन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट यहाँ पे जो कि कर लेंगे। तो इस तरह से आप सभी जो कि कर लीजिएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो कि जो भी पर्सन आप जो कि ऐड किए हैं उनका नाम जो कि यहाँ पे आप सभी को भरना है, यानी गार्जियन नेम, यहाँ पे गार्जियन नेम जो कि भरेंगे। उसके बाद जो कि यहाँ पे गार्जियन नेम जो कि भरने के बाद जो कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आप सभी को जो कि भरना है। तो इस तरह से आप सभी जो कि यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद दोस्तों जो कि यहाँ पे आवेदक का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, या दोस्तों फोटो का साइज यहाँ पे आप सभी जो कि देख पाएंगे, या फोटो का साइज जो कि यहाँ पे देखिए जो कि 15 KB से लेकर 100 KB के बीच में ही या जो कि फोटो जो कि अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। और यह फोटो का फॉर्मेट देख रहे हैं कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो यहाँ पे देख रहे हैं JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए ये फोटो यहाँ पे जो कि अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो कि आवेदक का एक सिग्नेचर या थंब जो कि अपलोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ के पर आप सभी जो कि देख रहे हैं सिग्नेचर का जो भी साइज रहेगा, यह साइज जो कि यहाँ पे देख पाएंगे कि 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में भी ही आप सभी को यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे देख रहे हैं यह भी जो कि फॉर्मेट यहाँ पे देख रहे हैं JPEG जो कि फॉर्मेट में होना चाहिए, जो यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। तो इस तरह से आवेदक का जो कि यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो कि अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी जो देख रहे हैं कि
यहाँ पे ऑप्शनल डिटेल, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शनल डिटेल में आप सभी जो कि यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं एनुअल इनकम, जो भी आवेदक का एनुअल इनकम है, यहाँ पे आप सभी जो कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से जो कि सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो कि देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन, जो भी आवेदक जो कि वर्क करते हैं, यहाँ पे आप सभी जो कि सेलेक्ट जो कि कर देंगे, इस तरह से जो कि ऑक्यूपेशन जो कि दिया गया है, सो यहाँ पे आप सभी जो कि कर लेंगे। उसके बाद जो कि देख रहे हैं यहाँ पे इम्प्लॉयड, यानी कि इम्प्लॉयड और जो कि अनएम्प्लॉयड, दोस्तों यहाँ पे आप सभी जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में क्या आप सभी जो कि देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत से जो कि आइडेंटिटी कार्ड जो कि दिए गए, जैसे कि मैं आधार कार्ड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा। आपके पास जो भी आइडेंटिटी कार्ड है उसको जो कि आप सभी जो कि सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आधार कार्ड जो कि सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो कापी जो कि अपलोड करेंगे। यहाँ पे इस तरह से दोस्तों यहाँ पे दिया गया, जैसे आधार कार्ड है, यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो कापी जो कि अपलोड करेंगे। इसका साइज़ जो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे, सबसे पहले जो कि इसका फॉर्मेट देख लीजिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ देख रहे हैं 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में यह जो कि डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, जो भी आधार कार्ड है आप जो कि सेट किए हैं। उसके बाद जो कि आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप सभी को देना है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आई एग्री, यहाँ पर सबसे पहले जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि आई एग्री टू शेयर आधार इन्फॉर्मेशन विथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी दोस्तों यह आपका आधार कार्ड का जो भी इन्फॉर्मेशन है आपने गवर्नमेंट को आप जो कि शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आई एग्री हैं तो यहाँ पे आप सभी जो कि क्लिक कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि एड्रेस फॉर करेस्पोंडेंस यहाँ पे जो कि दिया गया, तो यहाँ पे आप सभी जो कि देख पाएंगे नीचे आप देखिए जो कि नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ, यानी कि दोस्तों एक एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो कि सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, इस तरह से लिस्ट आ जाएगी, इनमें से आप सभी जो कि सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से सेलेक्ट मैंने जो कि कर लिए हैं, करने बाद जो कि देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे जो कि यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो उस डॉक्यूमेंट का जो भी फॉर्मेट रहेगा और साइज रहेगा, यहाँ पे आप सभी जो कि नीचे आप सभी जो कि देख पाएंगे, देखकर जो कि यहाँ पे इस तरह से साइज जो कि अपलोड करेंगे। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पे नीचे आते हैं एड्रेस, तो यहाँ पे आपको एड्रेस अपना जो कि टाइप करना है, तो यहाँ पे एड्रेस टाइप करेंगे, यहाँ पे स्टेट अपना जो कि टाइप करना है, यानी कि सेलेक्ट करना है स्टेट, यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो कि सेलेक्ट करना है अपना, तो इस तरह से लिस्ट आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट की बहुत सी, इसमें जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सब डिस्ट्रिक्ट और जो कि तहसील, यहाँ पर तहसील अपना जो कि सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप सभी जो कि देख पाएंगे विलेज एंड ब्लॉक, यहाँ पे विलेज एंड ब्लॉक इस तरह से जो कि लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप सभी को जो कि सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका विलेज है या ब्लॉक है। और यहाँ पे देखिए अपने एरिया का पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड जो कि आपको भरना होगा, यानी कि टाइप करना होगा, इस तरह से जो कि टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद जो कि नीचे आप देख पाएंगे डिसेबिलिटी डिटेल, यानी कि डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पे देख पाएंगे, जो भी आवेदक है उनके जो कि कहाँ पे जो कि यह विकलांगता है, तो वह जो कि विकलांगता जो जिस एरिया में है यहाँ पे जो कि दिया गया है उसको जो कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप सभी जो कि देख लीजिएगा इस तरह से पढ़कर जो कि सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने बाद जो कि अब यहाँ पे नीचे आएंगे डिसेबिलिटी ड्यू टू, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि जो भी विकलांगता है इसका कारण, यानी कि किस कारण जो कि विकलांग जो कि हैं आवेदक, वह जो कि कारण यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। करने बाद जो कि अब नीचे आप देख पाएंगे डिसेबिलिटी जो कि यहाँ पे साइंस यहाँ पे दिया गया है, और एक दिया गया है डिसेबिलिटी बाई बर्थ, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि किस मतलब कि यहाँ पे डिसेबिलिटी साइंस में मतलब कि किस समय से जो कि यहाँ जो कि विकलांगता है जी, या जो कि सन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो इस तरह से जो कि आप जो सभी जो कि देख लीजिएगा सेलेक्ट करिएगा। अगर दोस्तों जन्म से है विकलांगता तो यहाँ पे डिसेबिलिटी बाई बर्थ इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक करेंगे तो यह जो कि जन्म से विकलांगता है तो यहाँ पे आप सभी जो कि देख पाएंगे। उसके बाद जो कि यहाँ पे दिया गया है डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दोस्तों यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से आवेदक के पास है, तो यहाँ पे यस पे जो कि क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करने के बाद जो कि आपको अपलोड करना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पर आप सभी को क्लिक जो कि कर देना है। जैसे कि यस पर क्लिक करते हैं तो पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, तो अगर नहीं है तो पहले से ही नो रहेगा, तो यहाँ पर नो पर ही आप सभी को क्लिक कर देना है। उसके बाद जो कि देखिए हैं यहाँ पर दिया गया है हॉस्पिटल फॉर असिस्टमेंट इशू ऑफ UDID कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि किस हॉस्पिटल में अपना जो कि सर्टिफिकेट जो कि आप सभी जो कि बनवाना चाहते हैं उस हॉस्पिटल को आप जो कि सेलेक्ट कर पाएंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं कि इज योर
क्रैकिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट, यानी दोस्तों अदर स्टेट में अपना सर्टिफिकेट जो कि बनवाना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जिस स्टेट में बनाना चाहते हैं वह स्टेट जो कि सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से स्टेट का नाम जो कि आ जाएगा, बहुत से स्टेट का नाम यहाँ पे आप सभी जो कि वहाँ स्टेट जो कि सेलेक्ट करेंगे और वहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सभी जो को सेलेक्ट करना होगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में आप सभी जो कि जाकर अपना जो कि सर्टिफिकेट जो कि बनवा सकते हैं। और दोस्तों आप सभी जो कि अपने स्टेट से, जिस स्टेट से आप सभी जो कि हैं उस स्टेट से अपना यह जो प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, सेम स्टेट में ही सेम डिस्ट्रिक्ट में ही बनवाना चाहते हैं तो इसको अनटिक जो कि कर देंगे, जो पहले से ही अनटिक यह जो कि था इसको जो कि अनटिक कर देंगे। करने पर जो कि आपने देखिए हॉस्पिटल नेम, तो यहाँ पर हॉस्पिटल नेम आएगा, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर दिखाएगा उस हॉस्पिटल को आप सभी जो कि सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेलेक्ट। इस तरह से आप सभी जो कि सेलेक्ट जो कि कर लेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिए। करने के बाद दोस्तों जो कि अब यहाँ पे आप सभी को कैप्चा या जो कि भरेंगे, कैप्चा भरने के बाद जो कि यहाँ पे आप इस बॉक्स में क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सारा फॉर्म जो कि कंप्लीट मैं यहाँ पे भर लेता हूँ। भरने के बाद जो कि यहाँ पे मैं जैसे ही फॉर्म भर लूँगा तो यहाँ पे सबमिट करके मैं दिखाता हूँ आगे का जो कि यहाँ पर फॉर्म जो कि कैसा रहेगा और कहाँ पर यह फॉर्म जो कि आप सभी को जमा करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो कि यहाँ पे मैं फॉर्म जो कि भर लेता हूँ। देखिए हमने जो कि कंप्लीट जो कि यहाँ पे फॉर्म जो कि भरनी है, बट वो जो कि सबमिट हमने जो कि कर लिए। करने के बाद जो देख रहे हैं यहाँ पे पर्सन विथ डिसेबिलिटी एप्लीकेशन प्रीव्यू, यानी कि जो भी आपका एप्लीकेशन है इसको जो कि प्रीव्यू करेंगे, इसको देखेंगे। जो भी आप डिटेल भरे हैं इसको आप जो कि वेरीफाई कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, कुछ भी आप भरते समय गलत तो नहीं कर दिए। अगर जो आप गलत इसमें जो कि फॉर्म जो कि भरते समय कर दिए हैं तो आप एडिट भी कर पाएंगे। तो बगल में दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म है एडिट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके एडिट भी कर पाएंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे देखिए कन्फर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। चलिए हमने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। इस तरह से जो कि यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो सब में जो कि यस आपको करना होगा। इस तरह से जो कि बॉक्स है इसमें जो कि यहाँ पे टिक करना होगा सब बॉक्स में, जितने भी बॉक्स है आपको टिक करना होगा। करने के बाद जो कि यस पर क्लिक करेंगे, जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी जो देख पाएंगे यहाँ पे थैंक यू और नीचे आप देख रहे हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, यानी कि आपका एप्लीकेशन है जो कि सक्सेसफुल जो कि सबमिट हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं इनरोलमेंट नंबर जो कि यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पर देख रहे हैं ये पीडीएफ जो कि आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड पीडीएफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन जो कि पीडीएफ है, यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट यानी कि रिसिप्ट जो कि है पीडीएफ है, तो दोनों को हम जो कि डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो कि इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करके मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो इस तरह से एप्लीकेशन जो कि ओपन हो जाएगा, इस एप्लीकेशन को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों जो कि जिस आपके जो भी हॉस्पिटल आप जो कि सेलेक्ट किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, उस हॉस्पिटल में अपना जो कि यह एप्लीकेशन जो कि फॉर्म है इसको जो कि लेकर जाना होगा, यानी कि जो भी इसमें डॉक्यूमेंट जो कि अटैच किए, जैसे कि मैंने आधार कार्ड इसमें जो कि अटैच किया था, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उस डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी, एप्लीकेशन का फोटोकॉपी आप सभी जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल आप सेलेक्ट किए हैं उस हॉस्पिटल में लाकर जमा करेंगे। वहां पे जो भी विकलांग व्यक्ति हैं यानी कि आवेदक हैं उनको लेकर जाना होगा। जाएंगे तो वहां पे जो भी डॉक्टर हैं उसको जो कि चेकअप होगा, चेकअप करने के बाद जो कि सब कुछ सही पाया जाता है तो विकलांग प्रमाण पत्र जो कि जारी कर दिया जाएगा, आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। इस तरह से आप सभी जो कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर या लैपटॉप से विकलांग प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों अगर जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट जो कि पहले से बना है या दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करके आप सभी जो कि बनवा लिए हैं, तो दोस्तों आप सभी जो कि पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें हमने जो कि वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। दोस्तों उस वीडियो को देखकर आप सभी जो कि घर बैठे पेंशन के लिए यानी कि विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और अपना पेंशन भी जो कि बनवा पाएंगे। उस वीडियो का लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा है वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।